गणेश विसर्जन के शुभ अवसर पर छतरपुर शहर अंतर्गत आने वाले बूढ़ा बांध में गणेश विसर्जन को लेकर के तैयारियां पूरी की गई हैं, जिसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। वहीं सुरक्षा के तहत में ध्यान में रखते हुए गणेश विसर्जन में किसी भी तरह की हताहत ना हो और आमजन को समस्या ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर छतरपुर, एडिशनल एसपी, एसपी, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया गया, व्यवस्थाओं को देखा गया। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि किसी को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, समय रहते व्यवस्थाओं को बनाया जाए। वहीं बूढ़ा बांध स्थित नदी पे किसी भी तरह की कोई अशांति न हो, इसका विशेष ध्यान रहने की भी बात कही है। आज बूढ़ा बांध पे अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विसर्जन का जो प्रोग्राम है उसको देखने आए हैं। हमारे मौका स्थल पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां गणेश विसर्जन की आ रही हैं, छोटी बड़े पंडाल सभी तरीके के आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम, होमगार्ड की टीम बकायदा तैनात है और सभी लोग अपने नंबर के हिसाब से मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। पर्याप्त हमारा बल लगा हुआ है, तैराक भी यहाँ पे प्लेस है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। सभी शहरवासियों से यही अनुरोध रहेगा कि सभी लोग जल्द से जल्द आए और अपना विसर्जन का कार्यक्रम करें, जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। बस यही आप सब लोग को और आप सब लोग को अनंत चतुर्दशी की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और पूरे शहर का भ्रमण किया गया है। कलेक्टर, एसपी साहब, पूरा हमला प्रशासन का और पुलिस का जगह जगह पर तैनात है। जितनी भी 12 से लेके जो 15 मूर्तियां थी छतरपुर की, उनमें से अधिकांश का विसर्जन आप देख रहे हैं ये हो चुका है। 2-3 मूर्तियां और बची हैं तो उनका ही विसर्जन हो जाएगा। और आज अनंत चतुर्दशी का पर्व है, सभी छतरवासियों को पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही अपील है कि इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं और पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, आप ही के लिए है, आप ही की सुविधा के लिए। आज पूरे छतरपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर विसर्जन हो रहा है अनंत चतुर्दशी का। आज गणेश जी का विसर्जन का प्रोग्राम है, सभी जगह सुरक्षा की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। मूर्तियां लगातार आ रही हैं, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 50 से 60 मूर्तियां तो विसर्जित हो चुकी हैं।